वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द लेसन पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ऑन अ विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही एड्रेस्ड द अमेरिकन्स द यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसास सिटी एंड इन दैट स्पीच ऑफ हिम ही टोल्ड अबाउट द रियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लीडिंग नेशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मतलब मुसलमानों और हिंदुओं में जो बेसिक डिफरेंसेस थे जिनकी बेसिस पे पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन हो के ये दोनों कंट्रीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश हुई, वो वजूहात क्या थी, वो बेसिक रीजंस क्या थी. ही डिस्कस्ड ऑल द रीजंस वन बाय वन. इन हिज एड्रेस ही थ्रू लाइट ऑन द डिमांड क्रिएशन एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. डिमांड डिमांड क्यों कर रहे हैं वो क्या थी. फर्स्ट जो कॉज थी, द मेन कॉज वॉज दैट ऑफ द डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द हिंदू एंड द मुस्लिम्स वे ऑफ लाइफ. ठीक है, जो उनका जो लिविंग स्टाइल था, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे, वो ही सबसे पहले नंबर पे डिफरेंट थे दूसरे से. इन द सब कॉन्टिनेंट 100 मिलियन मुस्लिम्स लिव्ड विद 300 मिलियन हिंदूज. के एक माइनॉरिटी थी और एक जो थी वो मेजॉरिटी थी. देयर वेज ऑफ लिविंग, देयर हिस्ट्री, देयर हीरोज, देयर ओपिनियंस एंड देयर बिलीव्स वर टोटली डिफरेंट. दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट एवरी स्टेप, एट ऑलमोस्ट एवरी स्टेप. मोर एवर द मुस्लिम्स वर रूलिंग इंडिया बिफोर द ब्रिटिश राज. So it was natural for the British as well as the Hindus to be hostile to them. The gulf between these two nations was so unfathomable that it was impossible for them to live together. Just consider if the touch of a Muslim could have corrupted the religion or belief of a Hindu. So there was no question of their living together in harmony. Then the second difference was socio-religious type of difference. The Muslims believed in one God, but the Hindus had many gods. The Muslims believed in the prophets of Allah and especially in the last prophet, peace be upon him, but the Hindus did not. Their rites and rituals were quite contrary to each other. The social system of Islam stood in sheer contrast with the Hindu way of living, ways of living. Muslims believed in equality of all men, while the Hindus observed a strict caste system. The Muslims regarded even priesthood as unnecessary hurdle in the relation of man and his creator. Muslims had definite law of inheritance, but the Hindus did not have. Islam stressed on trade, while the Hindus preferred interest. The Muslims gave the right of private ownership to all, whether a man or a woman, but the Hindus did not. And he says that when the time of freedom from the British rule drew at hand, it became more and more crystal clear that the Muslims were not going to enjoy the real fruits of freedom. So he focused on those points which were the cause of this. So in short, you can write that he describes the differences of religion, culture and economic institutions which had made it difficult for the Muslims to continue to live with the Hindus.
above everything it was the fear of being reduced into a ritual political minority that forced the Muslims to demand a separate homeland for themselves. के politically वो लोग चाहते थे, मुस्लिम्स चाहते थे कि हमें माइनॉरिटी में ना बदला जाए, क्योंकि अगर politically उनकी पावर नहीं होती तो उनके लिए हिंदू सेकेंड मास्टर्स होते हैं आफ्टर इंग्लिश राज, तो उनके लिए सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा वर्स हो जानी थी. सो दे ऑल सो दे डिमांडेड फॉर द पाकिस्तान फॉर अ सेपरेट स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेसिक पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल माइनॉरिटी. अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान दिस डिमांड वॉज जेन्युइन एंड reasonable as it was in the interest of both the Muslims and the Hindus. Above all, it was in the interest of the world peace. क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानों की बात को नहीं मानते तो क्या होता कि इंडिया के हालात जो थे वो, या सब कॉन्टिनेंट के हालात जो थे वो, फिर वो ये राइट्स झगड़े वॉर और ये सारा कुछ होता. तो ये जो डिमांड थी, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, ये दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन था और दुनिया के पीस के लिए भी, कि वहाँ पे फिर अब इसके बाद जो लड़ाई झगड़े थे वो अपेरेंटली ख़त्म हो जाने थे. बट लियाकत अली खान रिग्रेट्स दैट द हिंदूज लीडर्स oppose this idea of separation because it was against their dream of greater India. The beloved leader Liaquat Ali Khan is here leading the cause of the Muslims and it's is justifying their demand on both human and geopolitical grounds. Liaquat Ali Khan says it's we believe then and we believe now that the demand of the Muslims in British India to have a separate state of their own was both on human and geopolitical grounds a very reasonable demand. So students, you have to give a strong introduction of your answer. First, introduce in introductory paragraph you have to give a statement about the question of the given to you, and in that introduction you have to briefly describe all the points that you are going to discuss in that answer. In other words, it should be a very very short summary of your all answer, and then after that one by one all the ideas you are going to discuss in paragraphs separately. इट मीन्स कि एक पैराग्राफ में एट अ टाइम आपने एक ही आइडिया डिस्कस करना है, किसी भी दो पॉइंट्स को आपने एक पैराग्राफ में मिक्स नहीं करना है और ना ही उनको इकट्ठे आपने डिस्कस करना है. ये रूल होता है, ठीक है? तो अपने क्वेश्चन में जितने मर्जी पैराग्राफ्स बना लें और उनकी लेंथ कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो तीन लाइनों का भी पैराग्राफ हो सकता है, वो 10 लाइनों का भी हो सकता है. सो इट्स ऑल अप टू यू. लेकिन आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक आइडिया जो है वो एक पैराग्राफ में होना चाहिए, दो आइडियाज़ नहीं होने चाहिए. दूसरे आइडिया के लिए आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करें, और इसके बाद जब आप समझ लें कि आपने जितने पॉइंट डिस्कस करने थे अपने आंसर में वो सारे आपने डिस्कस कर लिए हैं, तो फिर आप उसके एंड पे आप एक स्ट्रॉन्ग सा कंक्लूजन देंगे. कंक्लूजन वो चीज़ होती है कि जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये कंफर्म हो जाता है कि स्टूडेंट ने जो कुछ लिखना था उसने लिख दिया है, अब इसके बाद और लिखने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है. तो आपका कंक्लूजन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. गर्ल्स, आपको एक और बात मैं बता दूँ कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के सेपरेट मार्क्स होते हैं. जब आपके पेपर मार्क किए जाते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में सेपरेट मार्क्स होती हैं जो उसने अवार्ड मतलब करने होते हैं हर क्वेश्चन के हर हिस्से को. बेशक वो सेपरेटली अगर उसको नहीं देता है, लेकिन वो माइंड में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और बॉडी ऑफ द लैंग्वेज, बॉडी ऑफ द
आंसर जो है वो उसको देखता है, और इन तीनों चीज़ों को मिला के ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका इंट्रोडक्शन कमज़ोर है फिर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, अगर आपने जो बात इंट्रोडक्शन में कही है उससे कॉन्ट्रेरी आपकी जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसमें आप कॉन्ट्रेरी कोई और आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। और कंक्लूजन अगर आपका वीक है या कंक्लूजन आपने सिरे से दिया ही नहीं है, आपने ये मेंशन ही नहीं किया है कि आपने अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर दिया है, तो फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे। सो बी केयरफुल इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। आपके पास जितना भी मटेरियल आता है बुक्स की फॉर्म में या जैसे भी, आप गौर से देखा करें कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, या इवन ये आप पूरा जो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है इस ऐसे को ही देख लें, इसकी टेक्स्ट को देख लें कि इसका पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया है लियाकत अली खान ने टॉपिक को पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और फिर उनमें उसमें उन्होंने समरी में ही उसके मतलब एक हिंट्स दे दिए हैं कि इसमें वो बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स को हर पैराग्राफ की शक्ल में, एक एक पैराग्राफ की शक्ल में उन आइडियाज़ को, उन प्रॉब्लम्स को या उन इश्यूज़ को डिस्कस किया है और एंड पे एक प्रॉपर कंक्लूजन दिया है। तो आपका ऐसे इवन ऐसे राइटिंग में भी आपने यही रूल फॉलो करना है, और ए पेपर के जब आप आंसर लिख रहे हों तो उसमें भी आपने यही रूल फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द एसे और बॉडी ऑफ द आंसर एंड देन कंक्लूजन, राइट।